नाउ वील स्टडी अबाउट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हम देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन विच टू प्लांट्स लिव टुगेदर। इसमें कोई एक दूसरों पर डिपेंड होता है या पार्शियली डिपेंड होता है या पूरी तरह से डिपेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें दो लोग एक दूसरे पे, दो प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और ये जो रिलेशनशिप है इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। सच अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेन, लाइकेन इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक हम बोल सकते हैं। लाइकेन इज मेड अप ऑफ अ फंगस एंड एन एल्गा। इट इज मेड अप ऑफ एन फंगस एंड एल्गा। फंगस के बारे में मैंने आपको शायद बताया होगा, फंगस जो मशरूम है या ब्रेड के ऊपर जो लग जाता है या फिर अचार के ऊपर जो लग जाता है, दीज आर फंगस। और एल्गा यानी हमको जब बारिश में या फिर जहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन हेयरी लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको बोला जाता है एल्गी या एल्गा। फंगस और एल्गा का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉमनली नोन एज लाइकेन। अब इसमें एल्गा जो है ग्रीन कलर का होता है, सो ऑब्वियसली दे विल कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कंटेन होने की वजह से वो ऑटोट्रॉफ होते हैं बिकॉज उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि एल्गा इज ग्रीन इन कलर, दे विल कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, सो दे विल प्रिपेयर फूड। अब हम फंगस की बात करते हैं, ये सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब